लड़की सही नहीं है और उसके तो खून का भी। माफ कीजिएगा, आप दोनों मुझसे मिलने आई हैं या के मुझे जैनब और रुशना के खिलाफ भड़काने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे। माफ कीजिए, आपको कमरे में आने की जहमत दी। असल में इस वक्त में मुझे व्हील चेयर का सफर जरा सा मुश्किल लगता है। मेरे सोने का टाइम था ना, तो मैं बिस्तर में लेटने की तैयारी में थी। अरे कोई बात नहीं, आपने अपने बेडरूम में बुलाकर तो हमें अपनेपन का एहसास दिलाया। जैनब नजर नहीं आ रही लेकिन आप तो मुझसे मिलने आई हैं ना? जी जी, आए तो हम आपके पास ही हैं। उष्णा भी नजर नहीं आ रही अच्छा, लगता है तफसील जाने बगैर आपकी तसल्ली नहीं होगी, इसलिए बता देती हूँ। जैनब असल में आपके साथ एक पार्टी में गई है और उष्णा अपने कमरे में है। अच्छा, जैनब आपको इस हाल में छोड़ के वहाब भाई के साथ पार्टी में चली गई? हाँ, मैंने ही भेजा है, क्यों कुछ बुराई है इसमें? ये तो जी आपका बड़प्पन है, क्या आपको बुराई नजर ही नहीं आ रही? नहीं माँ बहन, आप बहुत सादा दिल हैं, इसलिए इन माँ बेटियों के ना हटकंडों को नहीं समझती आप। अब देखे ना, जैनब ने आपसे आपका शौहर छीन लिया और बेटी को आपके बेटे के पीछे लगा दिया। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। अगर आप लोगों को उष्णा में इतनी बुराई नजर आती है तो फिर आप दोनों अपने बेटों के लिए उसकी तलबगार बन के कैसे आ गई थी? अरे क्या बताएं आपको, हमारे बच्चे हुज़ैफ़ा और सुफियान दोनों ने उष्णा से शादी की जिद लगा रखी है। अब आप ही बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? सच बताऊं, उष्णा ने ही इन दोनों को आसरे में रखा हुआ है। आपको पता है आज तो हद ही कर दी, दोनों लड़कों को यूनिवर्सिटी बुलवाया और सड़क पे लड़वा दिया। इज्जत किसकी गई, हमारी ना? तो आप लोगों को अपने बेटों को समझाना चाहिए ना? अरे उन लोगों को तो हम समझा ही लेंगे, लेकिन आपने जो उष्णा को बहू बनाने का फैसला कर लिया है, मुझे तो लगता है आप दोबारा सोच लीजिए। लड़की सही नहीं है और उसके तो खून का भी। माफ कीजिएगा, आप दोनों मुझसे मिलने आई हैं या के मुझे जैनब और रुशना के खिलाफ भड़काने आई हैं? नहीं, हम तो वो। माफ कीजिएगा, मेरे आराम का वक्त हो गया है, अब आप लोग जा सकती हैं। जी चले भाभी। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चा। आप तो अपनों से भी बढ़कर अच्छी हैं। मामा ठीक ही कहती थी, मुझे लोगों की बिल्कुल पहचान नहीं है। और मेरी दुआ है कि जिंदगी भर आपका कभी बुरे लोगों से वास्ता ना हो। थैंक यू आंटी। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.